मेरे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं वो नकली फोटोज दिखा के उस लड़की ने क्यों मुझे टारगेट किया। चलिए साहब बुला रहे हैं। सॉरी, कुछ गलत फहमी हुई है। हमें किसी अननोन नंबर से सीसीटीवी फुटेज की क्लिप मिली है और साथ में एक टिप भी मिली थी, एक लड़का वॉशरूम में नशा कर रहा है। लेकिन जब हमने पूरी फुटेज देखी तब पता चला कि बंदा कोई और ही था, सेम आपके जैसे ही कपड़े पहने थे उसने। मेरे जैसे कपड़े पहने थे तो आपने बिना क्रॉस चेक किए मुझे लॉकअप में बंद कर दिया। वो इतना तो पक्का है मुझे जबरदस्ती फ्रेम करना चाहता है। आपको किसी पर शक है? अरे डॉक्टर छूट गया बॉस, पर टेंशन की कोई बात नहीं है। जिस लड़के को मैंने भेजा था डॉक्टर का जैकेट पहना के रेस्टोरेंट में, उसे मैंने शहर से बाहर भेज दिया। उसका नंबर भी फायरवॉल्ड है और उसे कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। ओके। ये मुझे अब क्यों कॉल कर रहा है डोडो? व्हाई? हो सकता है कि उसको बेल मिल गई हो, प्रॉब्ली। मुझे नहीं करनी है इससे बात। अब यार बाकी ये तू देख ले, because I just want you to be happy. I mean, मैं नहीं चाहता तू अपसेट हो या तेरा मूड ऑफ हो। Just be happy, okay? फोन उठाओ बाकी। फिर से फोन? फोन अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग पाकी के साथ क्लियर नहीं हुई ना शुभू, मैं पूरी रात सो नहीं पाऊंगा। टूडो, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम कॉल रिसीव करते उस इंसान से बात जिसने तुम्हें धोखा दिया हो? मैं कुछ कह नहीं सकता यार। अगर कोई एक इंसान मेरा भरोसा तोड़ देता तो मैं दोबारा उस इंसान पर भरोसा कर नहीं सकता। ऑनेस्टली शायद हो सकता है वो कहेगा कि पुलिस गलत थी, सीसीटीवी में कोई और था, उस जैसे कपड़े पहन रखे थे। he can just say anything and तू और मैं दोनों जानते हैं कि अगर किसी भी पुलिस वाले को 10-20 हज़ार रुपये देंगे और उसे कुछ झूठ बोलने के बोलेंगे, they'll agree to it. बाकी you know what I'm saying, right? बाकी तू देख ले, तू उस पर भरोसा कर सकती है, so well and good. it's totally your call. देख ले। नहीं डोडो, दोबारा भरोसा तो नहीं कर पाऊंगी डोडो। So, मेरे और ईशान के बीच में जो भी था, इट्स ऑल ओवर। नहीं करनी दोबारा मुझे इस इंसान से बात। बेटा, भाई, आप ऐसा कोई रूल है क्या कि ट्रिप नहीं जा सकते एग्जाम के पहले? नहीं ना, दादी को बोलो ना। इसके मार्क्स कम आएंगे और फिर ये गिल्टी फील करने लगेगी। जाने दीजिए ना साथी, प्लीज। लेकिन अब जरूरत से ज्यादा ही स्पॉइल करते हैं नवेली को, एंड दैट्स नॉट गुड अगस्त्य। ओके, करने दीजिए गलतियां दादी, लाइफ में कई चीजें गलतियां करके ही सीखी जाती हैं। अगस्त्य, अब आपका हाथ तो ठीक है ना? फीलिंग मच बेटर दादी, थैंक यू। अच्छा दादी, मैं बाकी के यहाँ जा रहा हूँ लंच पे। बेटा जी, आप जानते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं? हमें आपकी फिक्र है अगस्त्य, आप बाकी को भूलने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे, और बाकी आपसे प्यार नहीं, मुझसे प्यार नहीं करती तो क्या हुआ दादी?
एटलीस्ट उसे इस बात का रियलाइजेशन तो हो गया कि उससे प्यार करना कितनी बड़ी गलती थी। कौन? वो डॉक्टर? मुझे तो लगता है उसने डॉक्टर की डिग्री भी फर्जी हासिल की है। In fact, you know what? वो ड्रग एडिक्ट निकला दादी। Oh my God. जी, not just that. उसके कई लड़कियों के साथ अफेयर्स भी थे दादी। Really? ऐसा साइको पाकी को कहां से मिल गया? इस जमाने में इंसान को पहचानना कितना मुश्किल होता है। Thank God, पाकी ने उसे पहचान लिया। आज के बाद ईशान के नाम का चैप्टर पाकी की लाइफ से हमेशा के लिए खत्म। मैंने आपके माइक्रो कैमरा की प्रेजेंटेशन देखी। Bro, it was awesome. आपकी कंपनी इज द बेस्ट इन न्यू टेक। अरे बिचारे को कुछ खाने भी दोगे कि नहीं? अगस्त्या, यू लाइक हलवा ना? मावा डाल के बनाया है खास तुम्हारे लिए। बहुत चाची। और लो ना। वैसे कितना करते हो तुम हमारे लिए? पाखी, तू क्यों इतनी साइलेंट है? भाभी, ऐसा नहीं लगता कि अगस्त हमारा फैमिली मेंबर ही है? तो मैं क्या कहती हूँ, रिलेशनशिप बना ही लेते हैं ना? अगस्त्या की दादी से बात कर लेते पाखी के बारे में। चाची, आपने क्या नए रिश्ते बनाने का बिजनेस यहाँ पे खोल रखा है? कितनी बार कहा आपसे मैंने, अगस्त्या और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, समझ रही हैं आप? क्यों आप ऐसी बातें करके हमेशा अगस्त्या को ऑकवर्ड कर देती हैं? मां समझाओ ना। मैं देख लो भाभी कैसे बात कर रही है मेरे से। जब खाना लग जाए ना मुझे बता देना, मुझे नहीं रुकना यहाँ पे। तुम चलो। बाकी कब रियलाइज करोगी पाकी कि हम सिर्फ दोस्त नहीं है? अब तो ईशान भी रास्ते से हट गया है। अब तो असली प्यार को पहचान लो अपने। I'm really sorry, I don't know. चाची कभी कभी बहुत इरिटेटिंग हो जाती है। अरे रिलैक्स यार, I'm fine. ठीक हूँ मैं, मुझे बुरा नहीं लगा। Are you okay? No, yeah. Actually, I'm not at all okay. पता नहीं डोडो, मैंने ईशान पे भरोसा कैसे किया? अब वो चैप्टर खत्म हो गया हमारे लाइफ से। Just forget about it. नहीं डोडो, बहुत स्टूपिड हूँ मैं। I'm really stupid. ऐसी? तुम्हें पता है, लास्ट नाइट मुझे ईशान का वॉइस नोट आया। And he was saying exactly the same things. Like, वही सब कि सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहा है वो नहीं है, कोई और है एंड ऑल दैट। और वो आज मुझसे मिलना चाहता है। कि अगर मेरी जगह कोई नॉर्मल लड़की होती तो मिलने के बारे में सोचती भी नहीं बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड। लेकिन नहीं, मैं तो हूँ ही स्टूपिड ना, जो उससे मिलने के बारे में एक बार सोच भी रही हूँ। आई डोंट नो यार डोडो, एक कुछ अजीब सा कनेक्शन बन गया है ईशान के साथ मेरा। मैं ये चैप्टर ना अपनी लाइफ से क्लोज ही नहीं कर पा रही हूँ। इट्स लाइक आई कांट गेट हिम आउट ऑफ माय हेड। पता है कल तक तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब दोबारा ईशान का चेहरा कभी नहीं देखूंगी, पर पता नहीं क्यों आंखों के सामने फिर भी बार बार उसी का चेहरा आ जाता है। अभी भी मन में एक थोड़ी सी होप है कि काश काश सब कुछ गलत हो और निशान इनोसेंट प्रूव हो जाए। आई नो मुझे उससे मिलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मिलने का मन कर रहा है। टोडो, आई डोंट नो वेदर ही इज राइट और रॉन्ग फॉर मी, बट पर दिल मान ही नहीं रहा कि मैं उसे खुद से दूर कैसे रखूं। मुझे नहीं लगा था कि मुझे उससे इतना प्यार हो जाएगा। और पता नहीं भरोसा नहीं हो रहा है।
I can't believe it कि ईशान मेरे साथ कभी ऐसा कर सकता था. ईशान, he was so nice always. डोडो, you tell me, तुम जो कहोगे ना मैं वही करूंगी. बाकी इसमें मैं क्या बोलूं यार. इसमें तुम्हारा दिल कर रहा है तो जाके मिलो एक बार, सुन लो कि एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हो. पूछो. एक्सक्यूज मी, जिंदगी भर ये गिल्ट हमारे साथ रहेगा. काश उस रात हम अगस्त्य के साथ होते. काश हम अगस्त्य को बचा पाते. हम आप ही के बारे में सोच रहे थे. हो गया लंच? दादी लड़कियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हैं? कोई ने पूरी दुनिया भी क्यों ना दे दे, उन्हें कुछ और ही क्यों चाहिए होता है. क्या हुआ कश्य? पाकी के साथ कुछ हुआ? कल उसने कहा था कि वो ईशान का चेहरा नहीं देखना चाहती, राइट? आज फिर से उसे मिलने की बात कर रही है. मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एक बार डिसीजन ले लिया तो उस पर टिकती क्यों नहीं है लड़कियां? अगस्त्य बेटा, बेटा जब कोई किसी को पसंद करता है ना तो अपने दिमाग से नहीं दिल से सोचने लगता है. बाकी वे यही कर रही है, बेवकूफी कर रही है वो. थैंक यू सो मच दादी, थैंक यू सो मच. यू नो दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई रियली लव यू. आप दूसरी औरतों की तरह बिल्कुल नहीं है, अब बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं करती. You're right. वो बेवकूफी कर रही है. वो बेवकूफी करेगी तो उसे दर्द तो होगा ना दादी. अब वो जानबूझ के गलती करेगी तो मैं भी क्या कर सकता हूँ दादी. अगस्त्य बेटा, बेटा, बेटा कुछ कुछ उल्टा सीधा मत करने बैठना. बेटा, बेटा कहाँ हो आप? जल्दी जल्दी से घर वापस लौटो. अगस्त्य, अगस्त्य, जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता ये दर्द होता रहेगा तुम्हें. बाकी साढ़े पांच बज गए. ईशान यूजुअली तो कभी लेट नहीं होता है. अगर उसे हॉस्पिटल में टाइम लगने वाला था तो बता देना चाहिए था ना. मेरे पास थोड़ी ना पूरा दिन फ्री वक्त रहता है. फोन भी नहीं उठा रहा ऊपर से. अब डॉक्टर ईशान कहाँ है? डॉक्टर तो पौने पांच बजे निकल गए, उन्हें किसी से मिलना था शायद. हेलो, कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रही हूँ मैं तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं अपने कैबिन में ही हूँ. बाकी
सॉरी आज बहुत पेशेंट्स हैं, आई थिंक हमें आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। बाकी तुम हॉस्पिटल में हो इस वक्त? यू नो व्हाट ईशान, आई एम रियली स्टूपिड, बहुत स्टूपिड हूँ मैं जो तुम पे दोबारा भरोसा किया। हॉस्पिटल में हो तुम इस वक्त अभी अपने पेशेंट्स के साथ? हॉस्पिटल में हूँ मैं, तुम्हारे कैबिन के बाहर खड़े रह के तुम्हें कॉल कर रही हूँ। और कितने झूठ बोलोगे तुम मुझसे? अच्छा हुआ तूने वही कहा जो बॉस ने बताया था, वरना सच में अभी तेरी खोपड़ी उड़ा देता। कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए क्या तुम्हें? 5 बजने वाले हैं, आई जस्ट होप पाकी मिलने आ जाए। क्या है बॉस? क्या? बिल्कुल आवाज मत करना, जैसा बोल रहा हूं वैसा कर। चल उधर, इतना टाइम नहीं है अपने पास, उधर। कुछ तो बोलो। चुप, तरह सीधा चल। अरे क्यों पकड़ के लाए हो मुझे? तुम गलत इंसान को ले आए हो, मेरे से क्या दुश्मनी होगी तुम्हें? तुम गलत इंसान को। भाई भाई एक बार आप बस मेरी बात सुनिए। आई एम श्योर आप बाय मिस्टेक ले आए हैं मुझे। मुझे क्या दुश्मनी हो सकती है आप लोगों की? चुप रे। भाई डॉक्टर मेरे पास है, अंदर लाऊं क्या? ले आओ। डर इसको। चलो आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आप मुझे गलती से ले आए हैं। जिसे पूरी दिल्ली पुलिस फोर्स ढूंढ रही है, लेकिन मैं कभी उनके हाथ में नहीं आने वाला। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? चलो मेरे साथ, सब पता चल जाएगा। ये बाकी से झूठ बोल के ईशान गया कहाँ है? एनीवे, मेरा ही काम आसान कर दिया उसने। गुड गोइंग डॉक्टर युग। एक काम करो, पता लगाओ कि ईशान गया कहाँ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका सच में किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा हो, और अगर ऐसा है तो बाकी के सामने ये सच्चाई तो हम लेके आएंगे। यस बॉस। इनका तो वाटर ब्रेक हो चुका है, डिलीवरी कभी भी हो सकती है, इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना होगा। हार्ट रेट 150 से ज्यादा, बच्चा डिस्ट्रेस में है, फॉरन डिलीवरी नहीं की तो बच्चा और माँ दोनों की लाइफ खतरे में होगी। करतार सिंह, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, डिलीवरी करने वाला डॉक्टर नहीं। डॉक्टर तो हो ना तुम? मेरे बीवी और बच्चों को कुछ हुआ ना तो तुम गोली चला के अपने बीवी और बच्चे को बचाओगे? मुझे गर्म पानी और कुछ क्लीन टॉवल्स चाहिए और एक नया ब्लेड, जल्दी जाओ। कुछ नहीं होगा मैम आपको, बस गहरी सांसें लीजिए। बॉस, डॉक्टर की गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी, चाबी अंदर रख के पता नहीं कहां चले गए वो। स्ट्रेंज। क्या कर रही है? खोल ना,
मेरा बैग चाहिए मुझे। पाखी, लॉक करके सो गई है क्या तू? अभी नहीं, बाद में आना, अभी जाए यहाँ से। क्या कर रही है, खोल ना। कहाँ ना जा। क्या तुमने ऐसा शान क्यों? I genuinely liked you. Congratulations, लड़की हुई है। डॉक्टर साहब, आपके वजह से मेरी बच्ची ठीक है। लेकिन मैम, बेबी प्रीमैच्योर है। कुछ दिनों तक बेबी का हॉस्पिटल में होना जरूरी है। किसी ना किसी डॉक्टर को रोज चेक करना होगा। अगर हम इसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो इन्हें पुलिस पकड़ लेगी। ओके, जब तक बेबी थोड़ा वेट नहीं गेन कर लेता, अब मैं रोज आके चेक कर लूंगा। क्या हुआ, तू इतनी सैड क्यों है? नहीं तो कुछ हुआ क्या? ठीक हूँ। तू मुझे बता सकती है? पर बताने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। और तू इधर क्या कर रही है? टेस्ट है ना तेरा, पढ़ाई कर जाके। लगता है तू मुझे बताएगी नहीं। क्या? अरे शनाया, मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ। शनाया जस्ट स्टॉप इट। शनाया बोला ना मैंने? मम्मा काम नहीं करने दे रही है मुझे। शनाया, शनाया जस्ट गो, लीव मी अलोन यार, प्लीज। पाखी, तू बहुत ज्यादा भाव खाती है। कोई नहीं, तू मुझे मत बता, मैं खुद ही पता लगा लूंगी। जस्ट गो। ओके। I know, पाकी, मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद इससे भी ज्यादा अपसेट होता। बट ट्रस्ट मी, बुरा मैं नहीं, बुरी ये सिचुएशन है। मुझे झूठ बोलना पड़ा यार तुमसे, एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी। अगर इमरजेंसी थी तो बता देते ना, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? प्लीज पाकी, प्लीज और कुछ सवाल मत पूछो, मैं नहीं बता पाऊंगा तुम्हें। बट आई विल बी ऑनेस्ट, मैं डेस्परेटली तुमसे मिलना चाह रहा हूँ। Let's meet ना यार, please, please मना मत करना। मिलना है तुम्हें, ठीक, एक आखिरी बार मिल लेते हैं, क्योंकि शायद इसके बाद मैं तुमसे मिलना नहीं चाहूंगी दोबारा। कुछ समझ में नहीं आ रहा बॉस, एक गाड़ी आई हॉस्पिटल से थोड़ी दूर में रुकी, उसमें से ईशान उतरा और वो थोड़ा परेशान लग रहा था। नजर रखो उस पे, कुछ तो गड़बड़ है साथी में। मुझे अपनी पाखी को इससे बचा के रखना होगा। ओके बॉस। देखा पाखी, as always तुझे नजर नहीं आया लेकिन मैंने देख लिया, वो लड़का तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कितनी स्टूपिड है ना यार तू, पागल। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुझे हर बुरी नजरों से बचाऊंगा, हमेशा हमेशा।
एक और कैब ने कैंसिल कर दिया। हाँ, सारी कैब्स कैंसिल क्यों कर रही हैं? और ऊपर से मैं ईशान से मिलने ही क्यों जा रही हूँ? क्या कर रहे हैं आप भैया? एक तो गलत साइड से आ रहे हो, ऊपर से इतनी स्पीड में, बहुत जल्दी है क्या? अरे मैं राइट आऊं या रॉन्ग आऊं, तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? अच्छा, खुद गलती करो, ऊपर से मुझे चोर दिखाओ। क्या आपकी बाइक का नंबर? रुको, अभी पुलिस को भेजती हूँ ये बाइक। ओ मैडम, लेडीज हो ना, खाली धमकी दे सकती हो, कुछ होगा नहीं वैसे भी। ओ हेलो, मतलब क्या है आपका? आप ऐसे कैसे बदतमीजी कर सकते हैं? क्यों ना करो, खुद रॉन्ग साइड से आ रहे हो। दिखाई नहीं देगा तेरे को, पाकी पाकी देगा, क्या मतलब है? ए पाकी छोड़ दो, दूर दूर बस, भाई साहब समझा यार। देखो ना, रॉन्ग साइड से आ रहे हो, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते, छोड़ ना। वो रॉन्ग साइड से आ रहा था। देयर आर इडियट्स आउट देयर, इट्स ओके। अरे मुझे वेरी रूड, इट्स ओके सर। तुमने मुझे डोडो? छोड़ ना यार पाकी, क्यों ऐसे लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है तू? वैसे तू जा कहाँ रही थी? ईशान से मिलने। Well, तुम आ गए, thank God for that. यूनिवर्स नहीं भेजा होगा तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए। You know, मुझे एक भी कैब नहीं मिल रही थी, सब कैंसिल कर रहे थे। And I guess यूनिवर्स ने ना ईशान के केस में मेरी मदद ही नहीं की डोडो। ईशान के केस में सब गलत ही हुआ, जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं। I guess universe hates ईशान। And yeah, you're right, actually, ये सब छोटी मोटी चीजों पे तो मुझे लड़ना भी नहीं चाहिए, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। मैं यूनिवर्स की फेवरेट चाइल्ड हूँ ना, तो I'll leave it up to universe. I'm sure मुझसे बदतमीजी करने के लिए यूनिवर्स उस आदमी को पनिश तो करेगा। पनिशमेंट तो उसे मिल ही रही होगी। मेरी बाइक में आग कैसे लग गई? से बात करते करते मैंने ट्रैफिक वाले को उसकी बाइक का नंबर भेज दिया था। I'm sure वो लोग उसे पनिश कर रहे होंगे। And by the way, मेरे रहते रहते तुझे कोई परेशान कर सकता है क्या? I don't think so.